प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य अध्याय एक। यीशु मसीह का अलौकिक ज्ञान जिसे परमेश्वर पिता ने उन्हें इसलिए दिया कि वह अपने सेवकों को उन बातों को दिखाएं जो जल्द और अचानक होने वाली हैं। उन्होंने अपना स्वर्गदूत भेजकर इन्हें अपने सेवक यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर पिता के जिस वचन को सुना और यीशु मसीह के बारे में जो कुछ देखा उसके बारे में गवाही दी। आशीषित वह व्यक्ति है जो इन भविष्यवाणियों की बातों को पढ़ता, सुनता और मानता है, क्योंकि समय निकट है। यूहन्ना की ओर से एशिया की 7 चर्चों को, जो थे, जो हैं और जो आने वाले हैं, तथा उन 7 आत्माओं की तरफ से जो उनके सिंहासन के सामने हैं, तुम पर कृपा और शांति हो। साथ ही ये तुम्हें यीशु मसीह से मिलें, जो सच्चे गवाह, मरे हुओं से जी उठने वालों में पहलौठे तथा पृथ्वी के सभी शासकों से प्रधान हैं। वे हमसे प्रेम करते हैं और उन्होंने अपने खून से हमारे गुनाहों को धो दिया। उन्होंने हमें राजा और अपने परमेश्वर पिता के लिए याजक बनाया। उन्हें महिमा और प्रभुता सदा सर्वदा मिलती रहे, ऐसा ही हो। देखो, वे बादलों के साथ आ रहे हैं, हर एक आंख उन्हें देखेगी, यहां तक कि वे लोग भी जिन्होंने उन्हें मार डाला था। दुनिया के सभी लोग उनके कारण बिलख बिलख कर रोएंगे, हां ऐसा ही होगा। स्वामी परमेश्वर, जो हैं, जो थे, जो आने वाले हैं और जो सर्वशक्तिमान हैं, यह कहते हैं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, पहला और आखिरी हूं। मैं यूहन्ना, तुम्हारा भाई यीशु मसीह की वजह से दुख और धीरज में तुम्हारे साथ भागीदार हूं। मैं पद्मोस नामक टापू में परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही देने की वजह से कैदी था। मैं सप्ताह के पहले दिन आत्मा से भर गया और मैंने अपने पीछे तुरही की आवाज के समान एक बड़ा शब्द सुना जो कह रहा था कि मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और आखिर हूं, और जो कुछ तुम देखते हो उसे किताब में लिखकर एशिया की 7 मंडलियों, इफसोस, समुर्ना, पिरगुमन, थुआतेरा, सर्दीस, फिलेडेल्फिया और लोदिकिया को भेज दो। तब मैंने पलटकर बोलने वाले को देखना चाहा। जैसे ही मैं मुड़ा, मैंने सोने के 7 दीपदानों को देखा। उन 7 दीपदानों के बीच में मैंने मनुष्य के पुत्र की तरह किसी को देखा, जो पैरों तक चोगा पहने और छाती पर एक सुनहरा पट्टा बांधे हुए था। उनका सिर और बाल बर्फ की तरह सफेद और ऊन की तरह थे। उनकी आंखें आग की लपटों की तरह थीं। उनके पैर भट्टी में तपाकर चमकाए हुए पीतल की तरह थे। उनकी आवाज महासागर की लहरों की तरह थी। वे अपने दाहिने हाथ में 7 तारों को लिए हुए थे और उनके मुंह से 2 धारी तेज तलवार निकल रही थी। उनका चेहरा दोपहर के सूरज की तरह चमक रहा था। जब मैंने उन्हें देखा तो मुर्दे की तरह उनके पैरों पर गिर पड़ा। तब उन्होंने अपना दाहिना हाथ मेरे ऊपर रखकर मुझसे कहा, डरो मत, मैं ही पहला और आखिरी हूं। मैं वो हूं जो मर गया था, लेकिन अब हमेशा हमेशा तक जिंदा हूं। ऐसा ही हो, मौत और अधोलोक की चाबियां मेरे पास हैं। इसलिए जो बातें तुमने देखी हैं, जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली हैं, उन सभी को लिख लो, अर्थात उन 7 तारों का भेद जो तुमने मेरे दाहिने हाथ में देखे थे, और उन 7 दीपदानों का मतलब वे 7 तारे 7 मंडलियों के दूत हैं, और वे 7 दीपदान 7 मंडलियां हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2। इफिसुस की मंडली के स्वर्ग दूत को ये लिखो, वो जो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए है और वो जो 7 सोने के दीपदानों के बीच चलते फिरते हैं, ये कहते हैं, मैं तुम्हारी मेहनत के कामों और धीरज को जानता हूं, और ये भी कि तुम दुष्टों को सहन नहीं कर सकते। तुमने उन लोगों को परखा और झूठा पाया है,
जो प्रेरित होने का दावा करते हैं लेकिन है नहीं। तुम में धीरज रखने की ताकत है और तुमने मेरे नाम के लिए मेहनत की और निराश नहीं हो गए। लेकिन मुझे तुम्हारे खिलाफ ये शिकायत है कि तुमने मेरे लिए अपना पहला प्यार छोड़ दिया है। इसलिए याद करो कि तुम अपने पहले प्यार से कितनी दूर चले गए हो। मन बदलो और पहले कामों को करो, नहीं तो मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊंगा। अगर तुम मन ना बदलो तो मैं तुम्हारे दीपदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। लेकिन अच्छी बात है कि तुम निकुलइयों के कामों से नफरत करते हो, जिनसे मैं भी नफरत करता हूं। जो सुनना चाहे वो सुने कि पवित्र आत्मा मंडलियों से क्या कहता है। जो जीत हासिल करे उसे मैं जिंदगी के पेड़ में से, जो परमेश्वर पिता के स्वर्ग लोक के मध्य में है, खाने को दूंगा। समुर्ना की मंडली के संदेशवाहक को ये लिखो, जो पहले और आखिरी है, जो मर गए थे और अब जी उठे हैं, ये कहते हैं, मैं तुम्हारे काम और दुख और गरीबी को जानता हूं, लेकिन तुम अमीर हो। वे जो अपने आप को यहूदी कहते हैं लेकिन है नहीं, लेकिन शैतान की जमायत है, उनकी निंदा को भी मैं जानता हूं। जो दुख तुम सहने वाले हो उनसे मत डरना। देखो, शैतान तुम में से कुछ लोगों को जेल में डाल देगा ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिनों तक क्लेश सहना पड़ेगा। जान देने तक अपने विश्वास में बने रहना, तब मैं तुम्हें जिंदगी का ताज दूंगा। जो सुनना चाहे वो सुन ले कि आत्मा मंडलियों से क्या कहता है। जो जीत हासिल करे उसे दूसरी मौत से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। पिरगमुन की मंडली के संदेशवाहक को ये लिखो, ये संदेश उनकी तरफ से है जिनके पास तेज दोधारी तलवार है। मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं और मुझे ये मालूम है कि तुम वहां रहते हो जहां शैतान का अड्डा है। तुमने मेरे नाम पर विश्वास रखना जारी रखा है। जब मेरा विश्वास योग्य गवाह अंतिपास तुम्हारे बीच में मारा गया, जहां शैतान का निवास है, तब भी तुमने मेरा इनकार नहीं किया। फिर भी मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कुछ शिकायतें हैं। तुम्हारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो बालाम की तरह हैं, क्योंकि बालाम ने बालाक को यह सिखाया था कि इसराइली लोग मूर्तों का प्रसाद खाने और व्यभिचार करने से ठोकर खाएं। इसी तरह तुम्हारे बीच कुछ लोग निकुलइयों की शिक्षा मानने वाले हैं, जिससे मुझे नफरत है। इसलिए अपना मन बदलो, नहीं तो मैं जल्द ही आकर अपने मुंह की तलवार से उनके खिलाफ लड़ूंगा। जो सुनना चाहे वो सुने कि आत्मा मंडली से क्या कहना चाहता है। जो जीत हासिल करे उसे मैं छुपे हुए मन्ने में से दूंगा, एक सफेद पत्थर भी दूंगा जिस पर एक नया नाम खुदा हुआ होगा। इस नाम को पाने वाले के अलावा उसे और कोई नहीं जानेगा। थुआतीरा की मंडली के संदेशवाहक को लिखो, परमेश्वर के बेटे जिनकी आंखें आग की लपट और पैर चमकते पीतल के समान हैं, ये कहते हैं, मैं तुम्हारे काम, प्यार, विश्वास, सेवा और धीरज को जानता हूं, और ये कि तुम्हारे अभी के काम पुराने कामों से बढ़कर हैं। लेकिन तुम्हारे खिलाफ मुझे ये शिकायत है कि तुम उस स्त्री इजेबेल को अपने बीच में रहने देते हो। वो अपने आप को भविष्यद्वक्तन कहकर मेरे लोगों को व्यभिचार करने और मूर्तों का प्रसाद खाने के लिए सिखाते हुए भटकाती है। मैंने उसे मन बदलने का मौका दिया लेकिन वो अनैतिक चाल चलन छोड़ना नहीं चाहती। देखो, अगर वो अपने सारे बुरे कामों को नहीं छोड़ेगी तो मैं उस औरत को बीमारी के बिस्तर पर डालूंगा, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं उन सबको भारी पीड़ा में डालूंगा। मैं उसके सभी बच्चों को महामारी से मारूंगा और सारी मंडलियां जान जाएंगी कि मनों और दिलों को जांचने वाला मैं ही हूं। मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के मुताबिक
बदला दूंगा। लेकिन मैं थुआतीरा के बाकी लोगों से कहता हूं, जो इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं समझते, मैं तुम पर और अधिक भार नहीं डालता। फिर भी जो कुछ तुम्हारे पास है उसे मेरे आने तक मजबूती से थामे रहो। जो जीत हासिल करे और जो मेरे कामों को आखिर तक करता रहे उसे मैं तमाम देशों पर अधिकार दूंगा। वो उन पर लोहे के राजदंड से शासन करेगा, उन्हें कुम्हार के मिट्टी के बर्तन के समान चकनाचूर करेगा, जैसे कि मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया। उसे मैं सुबह का तारा दूंगा। जो सुनना चाहे वो आत्मा की सुन ले और समझ ले कि आत्मा मंडलियों से क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3। सरदीस की मंडली के संदेश वाहक को लिखो, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वो ये कहते हैं, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं कि तुम जिंदा तो कहलाते हो लेकिन हो मरे हुए। जाग जाओ और जो बातें बाकी बच गई हैं और मिटने पर हैं उन्हें मजबूत करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे किसी काम को परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं पाया। इसलिए याद करो कि तुमने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, उसी में बने रहो और मन बदलो। इसलिए अगर तुम ना जागो तो मैं चोर की तरह आऊंगा और तुम जान भी ना पाओगे कि मैं किस वक्त तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लेकिन सरदीस में तुम्हारे पास थोड़े लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने कपड़े गंदे नहीं किए हैं, वे सफेद कपड़े पहने हुए मेरे साथ चलेंगे, क्योंकि वे इस लायक हैं। जो जीत हासिल करे उसे इसी तरह के कपड़े पहनाए जाएंगे। मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से ना मिटाऊंगा, लेकिन अपने पिता और उनके स्वर्गदूतों के सामने उसका नाम मान लूंगा। जो सुनना चाहे वो सुन ले कि आत्मा मंडलियों से क्या कहता है। फिलाडेल्फिया की मंडली के संदेश वाहक को लिखो, जो पवित्र और सच्चे हैं और जिनके पास दाऊद की चाबी है, जिसे वो खोलते हैं उसे कोई बंद नहीं कर सकता, वो ये कहते हैं, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं। देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक दरवाजा खोला हुआ है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हालांकि तुम्हारी ताकत कम है, फिर भी तुमने मेरे वचन को माना है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देखो, जो शैतान की जमायत हैं और अपने आप को यहूदी कहते हैं जबकि है नहीं, वे झूठ बोलते हैं। मैं उन्हें मजबूर करूंगा कि वे आकर तुम्हारे पैरों पर झुकें और जाने कि मैंने तुमसे प्यार किया है, इसलिए कि तुमने मेरे धीरज के वचन को माना है। मैं भी तुम्हारे परखे जाने के समय में तुम्हें बचा रखूंगा, अर्थात वो न्याय का समय जो सारी दुनिया पर आने वाला है, ताकि इसमें सभी रहने वाले परखे जाएं। मैं अचानक आने वाला हूं। जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें बने रहो कि कोई तुम्हारा ताज तुमसे छीन ना ले। जो जीत जाए उसे मैं अपने परमेश्वर के भवन में एक खंभा बनाऊंगा, वहां से वो कभी बाहर नहीं निकलेगा। मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के शहर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो परमेश्वर की तरफ से स्वर्ग से उतरने वाला है, और अपना नया नाम भी उस पर लिखूंगा। जो सुनना चाहे वो सुन ले कि आत्मा मंडलियों से क्या कहता है। लौदीकिया की मंडली के संदेश वाहक को ये लिखो, जो आमेन विश्वास योग्य सच्चे गवाह और परमेश्वर की सृष्टि की शुरुआत का कारण है, वह ये कहते हैं, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं कि तुम ना ठंडे हो ना गर्म। अच्छा होता कि तुम ठंडे या गर्म होते। इसलिए कि तुम गुनगुने हो, मैं तुम्हें अपने मुंह से उगलने पर हूं। तुम कहते हो कि मैं अमीर हूं, मेरे पास सब कुछ है और मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन
तुम नहीं जानते कि तुम अभागे, तुच्छ, कंगाल, अंधे और नंगे हो। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि मुझसे चोखा सोना मोल लो, ताकि तुम अमीर हो जाओ, और सफेद कपड़े ले लो जिसे पहनकर तुम्हारे नंगेपन की शर्म ढक जाए, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले लो ताकि तुम साफ साफ देख सको। मैं जिनसे प्यार करता हूं उन्हें सुधारता और अनुशासित करता हूं, इसलिए जोशीले हो और मन बदलो। देखो, मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोले तो मैं उसके पास अंदर आकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। जो जीत हासिल करे उसे मैं अपने साथ मेरे सिंहासन पर बिठाऊंगा, जिस तरह से मैं भी जीत हासिल करके अपने पिता के साथ सिंहासन पर बैठा हुआ हूं। जो कोई सुनना चाहे वो सुन ले कि आत्मा मंडलियों से क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4। इन बातों के बाद मैंने नजर डाली और देखो, स्वर्ग में एक खुला दरवाजा था। तुरही किसी आवाज जो मैंने पहले सुनी थी उसने मुझसे कहा, यहां ऊपर आओ और मैं तुम्हें वे बातें दिखाऊंगा जो आगे होने वाली हैं। मैं तुरंत पवित्र आत्मा से भर गया और मैंने देखा कि स्वर्ग में एक सिंहासन रखा था और उस पर ऐसा जन बैठा हुआ था जो यशब और माणिक्य के समान दिखता था, और सिंहासन के चारों तरफ पन्ना की तरह एक मेघ धनुष दिखाई देता था। इस सिंहासन के चारों तरफ 24 सिंहासन थे। उन सिंहासनों पर मैंने 24 बुजुर्गों को सफेद कपड़े पहने बैठे हुए देखा, जो सिरों पर सोने के ताज पहने हुए थे। उस सिंहासन से बिजली की रोशनी, गर्जन और बादलों की गड़गड़ाहट निकलती थी, और सिंहासन के सामने आग के साथ दीप जल रहे थे जो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। सिंहासन के सामने चमकते कांच सा समुद्र था, और सिंहासन के बीच और चारों तरफ जीवित प्राणी थे जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें थी। पहला प्राणी शेर की तरह, दूसरा प्राणी बछड़े की तरह, तीसरे प्राणी का चेहरा मनुष्य की तरह, और चौथा प्राणी उकाब की तरह था। इन जीवित प्राणियों में से हरेक के 6 पंख थे, उनके चारों तरफ और बीच में आंखें ही आंखें थी। वे दिन रात यह कहते नहीं थकते थे, पवित्र, 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 परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, जो थे, जो हैं और जो आने वाले हैं। जब ये जीवित प्राणी उनको जो सिंहासन पर बैठे हैं और हमेशा तक जीवित हैं महिमा, इज्जत और धन्यवाद देते हैं, तब ये 24 बुजुर्ग जो सिंहासन पर बैठे हैं उनके सामने गिरते हुए इबादत करते हैं और अपने ताज रखते हुए कहते हैं, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, आप ही महिमा, इज्जत और अधिकार के लायक हैं, क्योंकि आप ही ने सब चीजों को बनाया और आप ही की इच्छा से उनकी रचना हुई और वे अभी तक बनी हुई हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5। जो सिंहासन पर बैठे हुए थे उनके दाहिने हाथ में एक स्क्रोल देखा। यह किताब अंदर बाहर दोनों ओर से लिखी हुई थी। इसे 7 मोहरें लगाकर बंद कर दिया गया था। फिर मैंने एक ताकतवर स्वर्गदूत को देखा जो बुलंद आवाज में यह कहता था कि इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक कौन है। न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस किताब को खोलने या उस पर निगाह डालने के लायक निकला, इसलिए कि कोई व्यक्ति उस पुस्तक को खोलने या उस पर निगाह डालने के योग्य नहीं था। मैं बिलक बिलक कर रोने लगा। तब उन बुजुर्गों में से एक मुझसे बोला, मत रो, देखो यहूदा के कबीले का वह सिंह जो दाऊद का मूल है उस किताब को खोलने और उसकी 7 मोहरें खोलने के लिए जीत चुका है। मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन बुजुर्गों के बीच में मानो एक घात किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी
ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी धरती पर भेजी जाती हैं। उसने पास आकर जो सिंहासन पर बैठे हुए थे उनके दाहिने हाथ से वह पुस्तक ले ली। ऐसा होते ही वे चारों प्राणी और 24 बुजुर्ग उस मेमने के सामने गिर पड़े। हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये पवित्र लोगों की विनतियां हैं। वो ये नया गीत गाने लगे कि आप इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक हैं, क्योंकि आपने वध होकर अपने रक्त से हर एक कुल, भाषा, लोग और राष्ट्र में से परमेश्वर के लिए हमें खरीद लिया है और हमें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और पुरोहित बनाया, और हम पृथ्वी पर राज्य करेंगे। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन बुजुर्गों के चारों तरफ बहुत से स्वर्गदूतों की आवाज सुनी, जिनकी गिनती लाखों करोड़ों में थी। वे ऊंची आवाज से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सारे अधिकार, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा और धन्यवाद के लायक है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब बनाई हुई चीज़ों को और सब कुछ को जो उनमें है ये कहते हुए सुना कि जो सिंहासन पर बैठे हैं उनका और मेमने का धन्यवाद, आदर और महिमा और शासन हमेशा हमेशा तक रहे। तब चारों प्राणियों ने कहा, ऐसा ही हो, और बुजुर्गों ने साष्टांग प्रणाम किया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6। मैंने देखा जब मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, तब उन 4 प्राणियों में से एक को गरज के समान आवाज करते हुए सुना। जब मैंने नजर डाली तो एक सफेद घोड़े को देखा, और जो उस पर बैठा हुआ था उसके पास एक धनुष था और उसे एक ताज दिया गया। वह युद्ध जीतने के लिए निकला कि जीत हासिल करे। जब उसने दूसरी मोहर तोड़ी तो मैंने दूसरे जीवित प्राणी को यह कहते सुना, आओ। तब लाल रंग का एक घोड़ा निकला, उसके सवार को पृथ्वी पर से शांति उठा लेने का अधिकार दिया गया, साथ ही यह भी कि लोग एक दूसरे को मारें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आओ। तब मैंने नजर डाली तो एक काले घोड़े को देखा, उस पर सवार व्यक्ति के हाथ में एक तराजू था। मैंने उन चारों जीवित प्राणियों के बीच में से एक आवाज मानो यह कहते सुनी, एक दीनार का 1/4 भाग गेहूं और 1 दीनार का 3/4 जव, लेकिन तेल और अंगूर का रस को नुकसान मत पहुंचाना। जब उसने चौथी मोहर तोड़ी तो मैंने चौथे जीवित प्राणी को यह कहते सुना, मैंने नजर डाली और एक हल्के पीले रंग का घोड़ा देखा, उसके सवार का नाम मौत था, और अधोलोक उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। उन्हें प्राणियों के 1/4 हिस्से पर यह हक दिया था कि तलवार, भूखमरी, महामारी और धरती के वन पशुओं द्वारा लोगों को मार डाले। जब मेमने ने 5वीं मोहर तोड़ी तो मैंने वेदी के नीचे उन लोगों के प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन और अपनी गवाही बनाए रखने की वजह से वध किए गए थे। वे ऊंची आवाज से पुकार कर कह रहे थे, हे पवित्र और सच्चे परमेश्वर, आप कब तक इंसाफ न करेंगे और दुनिया में रहने वाले लोगों से हमारे खून का पलटा कब तक नहीं लेंगे? उनमें से हर एक को सफेद चोगा दिया गया और उनसे कहा गया, कुछ देर और आराम करो जब तक कि तुम्हारे संगी साथी और विश्वासियों की जो तुम्हारी तरह वध होने वाले हैं गिनती पूरी ना हो जाए। जब मैंने मेमने को 6वीं मोहर तोड़ते हुए देखा तब एक बड़ा भूकंप हुआ और ऊन से बने कंबल की तरह सूरज काला और चांद खून की तरह हो गया। आसमान के तारे जमीन पर इस तरह गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी के आने से अंजीर के पेड़ से कच्चे फल गिर जाते हैं। आसमान फटकर चटाई की तरह लपेटा गया और हर एक पहाड़ और टापू अपनी जगह से हटाया गया। पृथ्वी के बादशाह, प्रधान, सेनाधिकारी, अमीर, शक्तिशाली, हर एक दास और हर एक आजाद इंसान पहाड़ों की गुफाओं और चट्टानों में जा छुपे।
वे पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हमारे ऊपर गिर पड़ो और हमें उनकी निगाह से जो सिंहासन पर बैठे हैं तथा मेमने के गुस्से से बचा लो, क्योंकि उनके गुस्से का डरावना समय आ गया है और कौन है जो उनका सामना कर सकता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7। इसके बाद मैंने चार स्वर्गदूतों को पृथ्वी के चारों कोनों में खड़े देखा। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को रोके हुए थे कि पृथ्वी, समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूर्व से ऊपर आते हुए देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों को, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र को नुकसान पहुंचाने का अधिकार दिया गया था, बुलंद आवाज से कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों पर मोहर ना लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को नुकसान ना पहुंचाना। मैंने मोहर लगे हुओं की गिनती सुनी, जो 144,000 थी। इसराइली संतानों के हर एक गोत्र में से इन पर मोहर लगाई गई थी। यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, गाद के गोत्र में से 12,000 पर, अशेर के गोत्र में से 12,000 पर, नप्ताली के गोत्र में से 12,000 पर, मनश्शे के गोत्र में से 12,000 पर, शमौन के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, इसाकार के गोत्र में से 12,000 पर, जबुलून के गोत्र में से 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र में से 12,000 पर और बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। तब मैंने नजर डालकर एक अनगिनत लोगों की बड़ी भीड़ देखी। ये लोग जो हर एक देश, गोत्र, जाति और भाषा बोलने वाले थे, सिंहासन और मेमने के सामने सफेद चोगे पहने, हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए खड़े थे। ये लोग बुलंद आवाज में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, सिंहासन पर विराजमान हमारे यहवे परमेश्वर और मेमने से ही मुक्ति है। सिंहासन, बुजुर्ग और चार जीवित प्राणियों को घेरे सारे स्वर्गदूत जो खड़े हुए थे, वे सभी अपने मुंह के बल गिरकर परमेश्वर की इबादत कर रहे थे। ऐसा ही हो, हमारे परमेश्वर की स्तुति, महिमा, ज्ञान, धन्यवाद, इज्जत और अधिकार युगान युग है, ऐसा ही हो। इसके बाद बुजुर्गों में से एक ने मुझसे पूछा, ये सफेद कपड़े पहने हुए लोग कौन हैं और कहां से आए हैं? मैंने जवाब में कहा, महाशय, ये तो आप ही जानते हैं। उन्होंने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो बड़ी तकलीफ से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने कपड़ों को मेमने के खून में धोकर सफेद किया है। इस वजह से ये परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उनके भवन में दिन रात उनकी खिदमत करते हैं। जो सिंहासन पर बैठे हैं वे अपने लोगों के बीच रहकर उनकी देखभाल करेंगे और अपने तंबू से ढांक कर अपनी उपस्थिति से रक्षा करेंगे। उन्हें भूख प्यास नहीं लगेगी, सूरज उन्हें अपनी भयंकर गर्मी से जला नहीं पाएगा, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनको चराएगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 8। जब मेमने ने सातवीं मोहर तोड़ी, तब स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। तब मैंने सात स्वर्गदूत देखे जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें सात तुरियां दी गईं। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए वेदी के पास खड़ा हो गया। उसे बहुत धूप दिया गया कि वह उसे सिंहासन के सामने रखी सोने की वेदी पर पवित्र लोगों की विनती के साथ चढ़ाए, और धूप का धुआं पवित्र लोगों की विनतियों के साथ स्वर्गदूत के हाथ से ऊपर परमेश्वर के सामने पहुंचा। तब स्वर्गदूत ने धूपदान में वेदी की आग भरकर पृथ्वी पर फेंक दी। इसके बाद शोर, बादल की गर्जन, बिजली का चमकना और भूकंप हुआ। तब सातों स्वर्गदूत उन सात तुरियों को जो उनके पास थीं फूंकने के लिए तैयार हो गए। पहले स्वर्गदूत के फूंकते ही खून से मिले ओले व आग पृथ्वी पर फेंक दिए गए। इससे पृथ्वी का
एक तिहाई हिस्सा जल गया तथा एक तिहाई पेड़ और सारी हरी घास भी जल गई। दूसरे स्वर्गदूत के तुरी फूकते ही मानो आग से जलते हुए बड़े पहाड़ की तरह कोई चीज समुद्र में डाल दी गई, जिससे समुद्र का एक तिहाई भाग खून बन गया। समुद्र के एक तिहाई जलचर मर गए और एक तिहाई पानी के जहाज भी बर्बाद हो गए। तीसरे स्वर्गदूत के तुरी फूकते ही एक बड़ा तारा मशाल की तरह जलता हुआ आसमान से नदियों और झरनों के एक तिहाई पर गिरा। वह तारा नागदोना कहलाता है। इससे पानी का एक तिहाई नागदोना सा कड़वा हो गया। इस पानी के कड़वे हो जाने की वजह से बहुत से लोगों की मौत हो गई। चौथे स्वर्गदूत के तुरी फूकते ही सूरज का एक तिहाई, चंद्रमा का एक तिहाई तथा तारों के भी एक तिहाई के तेज को नाश किया गया, जिससे इनका एक तिहाई हिस्सा अंधेरा हो गया, जिससे दिन के एक तिहाई की रोशनी जाती रही। जब मैंने फिर देखा तो आसमान के बीच में एक स्वर्गदूत को उड़ते और बुलंद आवाज से यह कहते सुना। उन तीनों स्वर्गदूतों की तुरई की आवाज की वजह से जिनका फूंका जाना अभी बाकी है, धरती पर रहने वालों पर हाय हाय हाय। प्रकाशित वाक्य अध्याय 9। जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा। उस स्वर्गदूत को अथाह कुंड की चाबी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला और उसमें से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा। सूरज और वायुमंडल दोनों उस धुएं से अंधकार में हो गए। इस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां छा गईं। इन टिड्डियों को पृथ्वी के बिचुओं की तरह ताकत दी गई। उन्हें ये आज्ञा भी दी गई कि वे पृथ्वी की घास, पेड़ या किसी हरी चीज को नुकसान ना पहुंचाएं, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं थी। उन्हें जान से मारने का हक नहीं दिया गया था, लेकिन 5 महीने तक पीड़ा पहुंचाने का आदेश था। यह पीड़ा बिच्छू के डंक मारने जैसी थी। उन दिनों में लोग मौत खोजेंगे लेकिन पाएंगे नहीं। वे मरना चाहेंगे लेकिन मौत उनसे दूर भागेगी। ये टिड्डियां देखने में उन घोड़ों की तरह थीं जो युद्ध के लिए तैयार होते हैं। उनके सिरों पर मानो सोने के ताज थे। उनके चेहरे मनुष्यों के चेहरों की तरह थे। उनके बाल औरतों के बालों की तरह और उनके दांत सिंह के दांतों की तरह थे। उनके कवच लोहे के कवच की तरह थे। उनके पंखों की आवाज लड़ाई के लिए दौड़ने वाले बहुत से घोड़े वाले रथों के शोर की तरह थी। उनकी पूंछें बिच्छुओं की तरह थी। उनमें ऐसे डंक थे जिनमें लोगों को 5 माह तक पीड़ा पहुंचाने की ताकत थी। एक अथाह कुंड का दूत उनके ऊपर राजा था। यहूदी भाषा में उसका नाम अब्दोन और यूनानी में अपलियोन है। पहली विपत्ति खत्म हुई। देखो, इन सब बातों के बाद 2 और विपत्तियां आने वाली हैं। 6वें स्वर्गदूत की तुरी फूकते ही मैंने परमेश्वर के सामने की सोने की वेदी के 4 सिंगों में से एक आवाज सुनी। वे 6वें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा था, उन 4 स्वर्गदूतों को जो फरात महानदी के पास रोके गए हैं आजाद कर दो। वे 4 स्वर्गदूत जो इस पल, दिन, माह और साल के लिए रखे गए हैं आजाद कर दिए गए, ताकि वे पृथ्वी की सारी जनसंख्या की एक तिहाई को मार डालें। मैंने सेना के घोड़सवारों की गिनती सुनी जो 20 करोड़ थी। मुझे दर्शन में घोड़े और उनके सवार इस तरह दिखाई दिए। वे सवार कवच पहने थे जो धधकती आग, नीले और पीले रंग के थे, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के समान थे, और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलता था। इन 3 महामारियों अर्थात उनके घोड़ों के मुंह से निकलने वाली आग, धुआं और गंधक से मानव जाति की एक तिहाई मार दी गई। उन घोड़ों की ताकत उनके मुंह और पूंछ में थी, क्योंकि उनकी पूंछ सांपों की तरह थी जिनमें सिर थे। इन्हीं से वे नुकसान पहुंचाते थे। फिर भी महामारियों से बचे लोग जो नहीं मारे गए थे अपने बुरे कामों में बने रहे।
यह कि उन्होंने बेजान सोने चांदी पीतल पत्थर और लकड़ी की मूर्तियों की पूजा बंद नहीं की और उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। ये मूर्तियां ना तो देख सकती ना सुन सकती और ना चल सकती थी। महामारी से बचे हुए लोगों में हत्या करने जादू टोने व्यभिचार और चोरी करने से मन नहीं फिराया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 10। फिर मुझे एक और ताकतवर स्वर्गदूत बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरता दिखाई दिया। उसके सिर पर मेघ धनुष था, उसका चेहरा सूरज की तरह और पांव आग के खंभे की तरह थे। उसके हाथ में एक खुली हुई छोटी सी किताब थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा। वह बुलंद आवाज से ऐसा चिल्लाया जैसे शेर दहाड़ रहा हो। उसके चिल्लाने से गर्जन के साथ शब्द सुनाई दिए। गर्जन के सातों शब्द खत्म हो जाने पर मैं लिखने वाला ही था, लेकिन मुझे आसमान में से एक शब्द ये कहते हुए सुनाई दिया, जो बातें गर्जन के सातों शब्दों ने कही हैं, उन पर मोहर लगा दो और उन्हें मत लिखो। जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की तरफ उठाया। उसने परमेश्वर जो हमेशा हमेशा जीवित हैं और जिन्होंने स्वर्ग और उसकी सब चीजों, पृथ्वी और उसकी सब चीजों तथा समुद्र और उसकी सब चीजों को बनाया है, उनकी शपथ खाकर कहा, अब और देर नहीं होगी। सातवां जब तुरी फूंकने वाला होगा तो उसकी आवाज से परमेश्वर की छिपी बात पूरी हो जाएगी, जिसकी सूचना उन्होंने पहले से अपने सेवक भविष्यवक्ताओं को दे दी थी। और स्वर्ग से बोलने वाला व्यक्ति फिर मेरे साथ बातें करने लगा। उसने मुझसे कहा कि जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, उसके हाथ में से खुली हुई पुस्तक ले ले। तब मैंने उस स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी किताब मुझे दे दो। उसने मुझसे कहा, लो और इसे खा लो, यह तुम्हारे पेट को कड़वा कर देगी लेकिन मुंह में शहद की तरह मीठी लगेगी। मैंने उस किताब को स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा लिया। वह मेरे मुंह में शहद जैसी मीठी लगी, लेकिन उसके खाने के बाद मेरा पेट कड़वा हो गया। इसके बाद मुझसे कहा गया कि तुम्हें बहुत से लोगों, राष्ट्रों, भाषाओं और राजाओं के सामने फिर भविष्यवाणी करनी पड़ेगी। प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1। यीशु मसीह का अलौकिक ज्ञान, जिसे परमेश्वर पिता ने उन्हें इसलिए दिया कि वे अपने सेवकों को उन बातों को दिखाएं जो जल्द और अचानक होने वाली हैं। उन्होंने अपना स्वर्गदूत भेजकर इन्हें अपने सेवक यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर पिता के जिस वचन को सुना और यीशु मसीह के बारे में जो कुछ देखा उसके बारे में गवाही दी। आशीषित वह व्यक्ति है जो इन भविष्यवाणियों की बातों को पढ़ता, सुनता और मानता है, क्योंकि समय निकट है। यूहन्ना की ओर से एशिया की 7 चर्चों को, जो थे, जो हैं और जो आने वाले हैं, तथा उन 7 आत्माओं की तरफ से जो उनके सिंहासन के सामने हैं, तुम पर कृपा और शांति हो। साथ ही ये तुम्हें यीशु मसीह से मिलें, जो सच्चे गवाह, मरे हुओं से जी उठने वालों में पहलौठे तथा पृथ्वी के सभी शासकों से प्रधान हैं। वे हमसे प्रेम करते हैं और उन्होंने अपने खून से हमारे गुनाहों को धो दिया। उन्होंने हमें राजा और अपने परमेश्वर पिता के लिए याजक बनाया। उन्हें महिमा और प्रभुता सदा सर्वदा मिलती रहे, ऐसा ही हो। देखो, वे बादलों के साथ आ रहे हैं, हर एक आंख उन्हें देखेगी, यहां तक कि वे लोग भी जिन्होंने उन्हें मार डाला था, दुनिया के सभी लोग उनके कारण बिलख बिलख कर रोएंगे। हां, ऐसा ही होगा। स्वामी परमेश्वर जो हैं, जो थे, जो आने वाले हैं और जो सर्वशक्तिमान हैं, यह कहते हैं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, पहला और आखिरी हूं। मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई यीशु मसीह की वजह से दुख और धीरज में तुम्हारे साथ भागीदार हूं।
मैं पद्मोस नामक टापू में परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही देने की वजह से कैदी था। मैं सप्ताह के पहले दिन आत्मा से भर गया और मैंने अपने पीछे तुरही की आवाज के समान एक बड़ा शब्द सुना जो कह रहा था कि मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और आखिर हूं, और जो कुछ तुम देखते हो उसे किताब में लेकर एशिया की सातों मंडलियों इफसोस, समुर्ना, पिरगुमन, थुआतेरा, सर्दीस, फिलेडेल्फिया और लोदिकिया को भेज दो। तब मैंने पलटकर बोलने वाले को देखना चाहा। जैसे ही मैं मुड़ा, मैंने सोने के सात दीपदानों को देखा। उन सात दीपदानों के बीच में मैंने मनुष्य के पुत्र की तरह किसी को देखा, जो पैरों तक चोगा पहने और छाती पर एक सुनहरा पट्टा बांधे हुए था। उनका सिर और बाल बर्फ की तरह सफेद और ऊन की तरह थे। उनकी आंखें आग की लपटों की तरह थीं। उनके पैर भट्टी में तपाकर चमकाए हुए पीतल की तरह थे। उनकी आवाज महासागर की लहरों की तरह थी। वे अपने दाहिने हाथ में सात तारों को लिए हुए थे और उनके मुंह से दोधारी तेज तलवार निकल रही थी। उनका चेहरा दोपहर के सूरज की तरह चमक रहा था। जब मैंने उन्हें देखा तो मुर्दे की तरह उनके पैरों पर गिर पड़ा। तब उन्होंने अपना दाहिना हाथ मेरे ऊपर रखकर मुझसे कहा, डरो मत, मैं ही पहला और आखिरी हूं। मैं वो हूं जो मर गया था, लेकिन अब हमेशा हमेशा तक जिंदा हूं। ऐसा ही हो, मौत और अधोलोक की चाबियां मेरे पास हैं। इसलिए जो बातें तुमने देखी हैं, जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली हैं, उन सभी को लिख लो, अर्थात उन सात तारों का भेद जो तुमने मेरे दाहिने हाथ में देखे थे, और उन सात दीपदानों का मतलब वे सात तारे सातों मंडलियों के दूत हैं, और वे सात दीपदान सात मंडलियां हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2। इफिसुस की मंडली के स्वर्ग दूत को ये लिखो, वो जो अपने दाहिने हाथ में सात तारे लिए है और वो जो सात सोने के दीपदानों के बीच चलते फिरते हैं, ये कहते हैं, मैं तुम्हारी मेहनत के कामों और धीरज को जानता हूं, और ये भी कि तुम दुष्टों को सहन नहीं कर सकते। तुमने उन लोगों को परखा और झूठा पाया है जो प्रेरित होने का दावा करते हैं लेकिन है नहीं। तुम में धीरज रखने की ताकत है और तुमने मेरे नाम के लिए मेहनत की और निराश नहीं हो गए। लेकिन मुझे तुम्हारे खिलाफ ये शिकायत है कि तुमने मेरे लिए अपना पहला प्यार छोड़ दिया है। इसलिए याद करो कि तुम अपने पहले प्यार से कितनी दूर चले गए हो। मन बदलो और पहले कामों को करो, नहीं तो मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊंगा। अगर तुम मन ना बदलो तो मैं तुम्हारे दीपदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। लेकिन अच्छी बात है कि तुम निकुलइयों के कामों से। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12। फिर स्वर्ग पर एक बड़ा निशान दिखाई दिया। एक महिला सूरज को ओढ़े हुए थी, चांद उसके पैरों के नीचे और सिर पर 12 तारों का ताज था। वह गर्भवती थी और बच्चे को जन्म देने से पहले जच्चा की पीड़ा के कारण से चिल्ला रही थी। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया। देखो, लाल रंग का एक बड़ा सा अजगर था। उसके सात सिर 10 सींग थे और सभी सिरों पर एक एक ताज था। उसने अपनी पूंछ से आकाश के तारों का एक तिहाई भाग खींचकर पृथ्वी पर फेंक दिया। वह अजगर उस महिला के सामने खड़ा हो गया जो बच्चे को जन्म देने वाली थी। वे बच्चे को उसके जन्म होते ही खा लेना चाहता था। महिला ने एक बेटे को जन्म दिया जो लोहे के राजदंड से सभी देशों पर शासन करने वाला था। उस महिला का बच्चा अचानक ही परमेश्वर और उनके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। लेकिन वह महिला भागकर उस जंगल में चली गई जहां परमेश्वर की तरफ से उसके लिए जगह तैयार की गई थी, ताकि वहां 1260 दिनों तक पाली जाए।
फिर स्वर्ग में एक युद्ध हुआ। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने के लिए निकले और अजगर तथा उसके दूतों के साथ उनका घमासान युद्ध छिड़ गया। अजगर और उसके दूतों को मुंह की खानी पड़ी और वहां उनके लिए कोई जगह न रही। तब वह बड़ा अजगर नीचे गिरा दिया गया, वही पुराना सांप जो इबलिस और शैतान कहलाता है और सारी दुनिया को बहकाता है। वे पृथ्वी पर अपने दूतों समेत गिरा दिया गया। तब मैंने स्वर्ग में बुलंद आवाज में किसी को ये कहते सुना, अब हमारे परमेश्वर की मुक्ति, शक्ति, शासन और उनके मसीह का अधिकार दिखाई दिया है, क्योंकि विश्वासियों पर दोष लगाने वाला जो हमारे परमेश्वर के सामने रात दिन उनको दोषी ठहराता था नीचे गिरा दिया गया है। लेकिन उन्होंने मेमने के खून और अपनी गवाही के वचन की वजह से उस पर जीत पाई है, क्योंकि मरते दम तक उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। इसलिए हे स्वर्ग और उसमें रहने वालों, खुश हो पृथ्वी और समुद्र पर हाय, क्योंकि शैतान बहुत गुस्से से तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वो जानता है कि उसका समय थोड़ा ही है। जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर फेंक दिया गया हूँ, तो वो उस महिला को जिसने बेटे को जन्म दिया था सताने लगा। लेकिन उस महिला को बड़े उकाब के दो पंख दिए गए कि वह अजगर के सामने से जंगल में अपनी जगह पहुंच जाए, जहां वह 1260 दिनों तक पाली जाए। फिर अजगर ने महिला के सामने अपने मुंह से नदियों का सा पानी बहाया, ताकि वे महिला को पानी के भाव में बहा ले जाए। लेकिन धरती ने उस महिला की मदद की, जमीन ने अपना मुंह खोलकर उस नदी को निगल लिया जो अजगर के मुंह से निकली थी। अजगर को महिला पर गुस्सा आया और उसकी बची हुई संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं लड़ने को गया और समुद्र के किनारे की रेत पर अजगर खड़ा रहा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13। मैंने एक ऐसे पशु को समुद्र में से निकलते देखा जिसके 10 सिंह और 7 सिर थे। उसके सिंगों पर 10 राज मुकुट थे, उसके सिरों पर बेजती के नाम लिखे हुए थे। जिस पशु को मैंने देखा वह चीते की तरह था, लेकिन इसके पैर भालू की तरह और मुंह शेर की तरह था। अजगर ने इस पशु को अपनी ताकत, सिंहासन और जबरदस्त अधिकार दिया था। उस पशु के तमाम सिरों में से एक बुरी तरह से जख्मी होने की वजह से वह मरने की हालत में लग रहा था, लेकिन वह जानलेवा जख्म ठीक हो गया और सारी दुनिया के लोग आश्चर्य के साथ इस पशु को मानने लगे, इसलिए कि अजगर ने उन्हें शासन करने का अधिकार दिया था। वे लोग उस अजगर की इबादत यह कहते हुए करने लगे, इस पशु की तरह कौन है और इसके खिलाफ कौन लड़ सकता है? उस पशु को डींग मारने और बेइज्जती करने का मुंह दिया गया, उसे 42 महीनों तक शासन चलाने की इजाजत दी गई। इसलिए पशु ने मुंह खोलकर परमेश्वर की बेइज्जती की, ताकि परमेश्वर का नाम स्वर्ग और वहां रहने वालों की बदनामी करे। इस पशु को इजाजत दी गई कि वह परमेश्वर के पवित्र लोगों के खिलाफ लड़ाई छेड़े और उन्हें जीत ले। उसे सभी जनजाति लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों और देशों के ऊपर शासन करने का हक दिया गया, और दुनिया में रहने वाले सभी लोग इस पशु की इबादत करेंगे, अर्थात वे लोग जिनका नाम उस जीवन की किताब में जो कुर्बान किए गए मेमने की है नहीं लिखे गए हैं। यह मेमना दुनिया की शुरुआत के समय से ही मारा गया था। जो सुनना चाहे वह सुन ले कि जो कैदी होने के लिए बुलाया गया है वह कैद खाने में डाला जाएगा, जो तलवार से मारता है वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। फिर मैंने पृथ्वी में से एक और पशु को निकलते देखा। एक मेमने की तरह इसके 2 सींग थे, लेकिन यह एक अजगर की तरह बोलता था। उस पहले पशु की मौजूदगी में यह दूसरा पशु सब अधिकार काम में लाता है।
यह दूसरा पशु उस पहले पशु की, जिसका खतरनाक जख्म अच्छा हो चुका था, उसकी उपासना सारी दुनिया के लोगों से करवाता है। वह बड़े बड़े अजीब काम दिखाता है, यहाँ तक कि आसमान से पृथ्वी पर आग बरसा देता है। इन अजीब कामों से, जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे हासिल था, वह पृथ्वी पर रहने वालों को धोखा देता था। वह उनसे ये कहता था कि उस पशु की मूरत को बनाओ जिसकी देह पर तलवार का घाव था और जो फिर से जिंदा हो गया था। उसे पशु की मूरत में जान डालने का अधिकार दिया गया, जिसे वह मूरत बोल सके। यह भी कि जितने लोग उस मूरत को पूजने से इनकार करें, उन्हें मरवा डाले। उसने छोटे बड़े, अमीर गरीब, आजाद गुलाम, सभी के दाहिने हाथ या माथे पर एक छाप लगा दी। उसने ऐसा भी किया कि जिसके पास उस पशु का नाम था, उसके नाम की संख्या की छाप ना हो, उसको छोड़ और कोई इंसान लेन देन ना कर पाए। जिसे समझ हो वो उस पशु की संख्या का हिसाब लगा ले, क्योंकि यह संख्या इंसान की है। यह है 666। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14। मैंने जब वहां एक नजर डाली तो मेमने को सियोन पहाड़ पर खड़ा देखा। उसके साथ 144,000 लोग थे। उनके माथे पर मेमने का और उसके पिता का नाम लिखा था। फिर मैंने स्वर्ग से ऐसी आवाज सुनी जो पानी की बहुत धाराओं और गर्जन की सी थी। यह वीणा की आवाज की तरह थी। वह सिंहासन के सामने और चारों जिंदा प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। पृथ्वी से मोल लेकर छुड़ाए गए 144,000 लोगों को छोड़कर कोई उस गीत को सीख नहीं सकता था। ये वे लोग हैं जिन्होंने कभी किसी से यौन संबंध नहीं रखा और कंवारे हैं। ये वे लोग हैं जो मेमने के पीछे जहां जहां वे जाता है जाते हैं। परमेश्वर और मेमने के लिए एक खास भेंट के रूप में उन्हें पृथ्वी पर रहने वालों में से खरीदा गया है। उन्होंने कभी भी झूठ नहीं बोला और निर्दोष हैं। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश में उड़ते देखा। उसके पास सुनाने के लिए अनंत खुशी की खबर थी। यह खबर हर देश, हर कुल तथा हर भाषा के लोगों के लिए थी। उसने चिल्लाकर कहा, परमेश्वर को इज्जत दो, उनकी इबादत करो, क्योंकि उनके इंसाफ करने का समय आ गया है। उन्हीं की आराधना करो जिन्होंने आसमान, जमीन, समुद्र और जल के सोते बनाए। तब एक और स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया, गिर पड़ा, विशाल बाबुल गिर पड़ा, जिसने अपने बुरे काम की वासना में शराब सब देशों को पिलाई थी। इनके बाद एक तीसरा स्वर्गदूत ऊंची आवाज से यह कहता आया, अगर कोई इस पशु और उसकी मूरत की पूजा करे और अपने माथे या हाथ पर उसकी छाप लगाए, उसे भी परमेश्वर के क्रोध रूपी शराब, जो उनके गुस्से के कटोरे में भरपूर उंडेली गई है, पिएगा। उसे पवित्र स्वर्गदूतों और मेमने की मौजूदगी में आग और गंधक की भयंकर पीड़ा सहनी पड़ेगी। उनकी पीड़ा का धुआं हमेशा हमेशा तक उठता रहेगा। जो लोग उस पशु और उसकी मूरत की उपासना करेंगे और उसके नाम की छाप लेंगे, उन्हें दिन और रात चैन नहीं मिलेगा। यहाँ वो लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और विश्वास में बने हैं। फिर मैंने स्वर्ग से सुना, लिखो, वे धन्य हैं जो विश्वास करने के बाद मरेंगे। पवित्र आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपनी मेहनत से आजाद हो जाएंगे और उनके कामों का हिसाब रखा जाएगा। मैंने निगाह डाली और देखो, एक उजला बादल है। उस बादल पर मनुष्य के पुत्र के समान कोई बैठा है। इसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ है। फिर एक और स्वर्गदूत ने प्रार्थना भवन में से निकलकर बादल पर बैठे हुए व्यक्ति से ऊंची आवाज में कहा, हंसुआ लगाकर फसल काटो, क्योंकि पृथ्वी की फसल पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि फसल के इकट्ठा करने का समय आ पहुंचा है। इसलिए जो बादल पर बैठा हुआ था, उसने अपने हंसुए से पृथ्वी की फसल को काटा। तब एक और स्वर्गदूत स्वर्ग के प्रार्थना भवन में से
बाहर निकला, जिसके हाथ में भी एक तेज हंसुआ था। एक और स्वर्गदूत वेदी से बाहर आया, जिसे आग पर अधिकार था। उसने जिस स्वर्गदूत के पास तेज हंसुआ था उसे ऊंची आवाज से कहा, इसलिए कि अंगूर पूरी तरह से पक चुके हैं, उनके गुच्छों को हंसुए से काट लो। इसलिए स्वर्गदूत ने अपने हंसुए को पृथ्वी पर घुमाकर पृथ्वी के अंगूर के बागीचे में से अंगूर काट लिए और उसे परमेश्वर के गुस्से के रस कुंड में फेंक दिया। शहर के बाहर रस कुंड में अंगूर को रौंदा गया और रस कुंड से लगभग 100 कोस तक खून का झरना बहकर घोड़े की लगाम तक पहुंच गया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 15। फिर मैंने स्वर्ग में एक बड़ा और अजीब निशान देखा, वह यह कि 7 स्वर्गदूतों के पास 7 आने वाली मुसीबतें थीं। उनके हो जाने पर परमेश्वर के जबरदस्त गुस्से का अंत है। मैंने आग से मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, जिन लोगों ने उस जानवर, उसकी मूरत और उसके नाम के अंक पर जीत हासिल की थी, उन्हें उस कांच के समुद्र के पास परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे, हे सबसे ज्यादा ताकतवर प्रभु परमेश्वर, आपके काम बड़े और अजीब हैं। हे पवित्र संतों के राजा, आपके काम न्यायपूर्ण और सच्चे हैं। हे प्रभु, आपसे कौन ना डरेगा और आपके नाम की इज्जत ना करेगा, क्योंकि आप ही पवित्र हैं। सभी देश आकर आपकी आराधना करेंगे, क्योंकि आपके इंसाफ के काम दिखाए जा चुके हैं। इसके बाद मैंने यह देखा कि स्वर्ग में प्रार्थना भवन, जो कि गवाही का तंबू है, खोला गया। उस प्रार्थना भवन में से 7 स्वर्गदूत 7 विपत्तियों को लेकर निकले। वे मलमल के साफ कपड़े पहने और छाती पर सुनहरा पटुका लिए हुए थे। तब उन 4 जीवित प्राणियों में से एक ने हमेशा हमेशा तक जीवित रहने वाले परमेश्वर के गुस्से से भरे हुए 7 कटोरों को 7 स्वर्गदूतों को दे दिया। प्रार्थना भवन परमेश्वर की शान और उनकी शक्ति के धुएं से भर गया, और जब तक 7 स्वर्गदूतों की 7 मुसीबतें खत्म नहीं हुई, तब तक प्रार्थना भवन में कोई भी जा ना सका। प्रकाशित वाक्य अध्याय 16। तब मैंने प्रार्थना भवन में से किसी को स्वर्गदूतों से ऊंची आवाज में यह कहते सुना, जाओ और परमेश्वर के गुस्से के 7 प्यालों को पृथ्वी पर उंडेल दो। पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। इस वजह से उन लोगों पर जिन्होंने पशु की छाप ली थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, बहुत तकलीफ देने वाले फोड़े निकल आए। दूसरे स्वर्गदूत ने जब अपना कटोरा समुद्र पर उंडेला तो सारा पानी मरे हुए इंसान के खून की तरह हो गया और उसमें का हर एक प्राणी मर गया। तीसरे ने अपना कटोरा नदियों और पानी के स्रोतों पर उंडेल दिया और वे सब खून बन गए। फिर मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, हे पवित्र जो हैं और जो थे, आप इंसाफ करने वाले हैं और आपने ये इंसाफ किया है, क्योंकि इन लोगों ने पवित्र लोगों और नबियों का खून बहाया था, इसलिए आपने उन्हें पीने के लिए खून दिया है, वे इसी के लायक भी हैं। फिर मैंने वेदी से यह आवाज सुनी, हाँ हे सर्वशक्तिशाली प्रभु परमेश्वर, आपके फैसले ठीक और सच्चे हैं। और चौथे ने अपना कटोरा सूरज पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का हक दिया गया। बहुत भयंकर गर्मी से लोग झुलस गए और उन्होंने परमेश्वर के नाम की, जिन्हें इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की। उन्होंने अपने बुरे कामों को ना छोड़ा और ना ही परमेश्वर की बड़ाई की। तब 5वें स्वर्गदूत ने अपने कटोरे को पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसका राज्य अंधेरे में डूब गया। उसके मारने वाले अपने दांतों को पीसने लगे। अपनी पीड़ा और जख्मों की वजह से वे परमेश्वर को बुरा कहने लगे, लेकिन उन्होंने
अपने गंदे कामों को ना छोड़ा और ना परमेश्वर की ओर मुड़े। तब छठे स्वर्गदूत ने बड़ी नदी फरात पर अपना कटोरा उंडेल दिया, वह सूख गई, ताकि पूर्व दिशा के राजा अपनी फौजों को बिना किसी रुकावट पश्चिम दिशा की तरफ ले जा सकें। फिर मैंने मेंढक की तरह दिखने वाली तीन दुष्टात्माओं को अजगर, उस पशु और झूठे भविष्यवक्ताओं के मुंह से निकलते देखा। वे दुष्टात्माएं हैं जो अजीब काम करने के साथ दुनिया के शासकों के पास जाती हैं। वे सबसे शक्तिशाली परमेश्वर के बड़े इंसाफ के दिन प्रभु के खिलाफ युद्ध करने के लिए उन्हें अर्मेगदोन नाम के स्थान में इकट्ठा करती हैं। देखो, मैं चोर की तरह अचानक आ जाऊंगा। वे लोग अशिक्षित हैं जो मेरा इंतजार करते हैं, जो अपने कपड़ों को तैयार रखते हैं ताकि उन्हें नंगेपन और शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। फिर दुष्टात्माओं ने शासकों और उनकी फौजों को इब्रानी में अर्मेगदोन कहलाने वाली जगह पर इकट्ठा किया। तब सातवें स्वर्गदूत ने अपने कटोरे को हवा में खाली कर दिया और स्वर्ग के पवित्र स्थान में परमेश्वर के सिंहासन से एक जोरदार आवाज यह कहते हुए सुनी गई, सब कुछ पूरा हो चुका है। फिर बिजलियां, शब्द, गर्जन और एक भूकंप आया। यह ऐसा जबरदस्त भूकंप था जैसा पृथ्वी पर इंसान के रखे जाने के समय से कभी भी नहीं हुआ था। बड़ा शहर तीन हिस्सों में बट गया और देशों के शहर नाश हो गए। परमेश्वर के सामने बेबीलोन महान को याद किया गया ताकि परमेश्वर के गुस्से की मदिरा उसे पिलाई जाए। हर एक टापू अपनी अपनी जगह से सरक गया, पहाड़ों का तो पता ही नहीं चला। आसमान से लोगों पर मन मन भर के ओले गिरे। ये विपत्ति बहुत दुखदाई होने की वजह से लोगों ने परमेश्वर को बुरा कहा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 17। जिन सात स्वर्गदूतों के पास सात कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे कहा, आओ, जो बड़ी बेशिया बहुत से पानी के ऊपर बैठी हुई है, मैं उसके दंड को तुम्हें दिखाऊंगा। इसी के साथ दुनिया के राजाओं ने व्यभिचार किया था और दुनिया के लोग उस औरत के साथ व्यभिचार की शराब से मतवाले हो गए थे। इसके बाद स्वर्गदूत मुझे पवित्र आत्मा में एक जंगल ले गया। वहां मैंने सात सिर और 10 सींग वाले एक लाल जानवर को देखा। निंदा भरे नामों से ढके इस पशु पर एक औरत बैठी हुई थी। यह औरत बैंजनी और लाल कपड़े पहने हुए थी। वह सोने, मोती और हीरे के गहनों से सजी हुई थी। उसके हाथ में एक सोने का प्याला था जो घिनौनी चीजों और व्यभिचार की गंदगी से भरा हुआ था। उसके माथे पर उसका भेद भरा नाम लिखा था, भेद, बड़ा बेबीलोन, वैश्याओं और पृथ्वी के घिनौनेपन की माता। मैंने उस औरत को पवित्र लोगों और यीशु के गवाहों का खून पीकर मतवाला देखा। उसे देखकर मैं आश्चर्य से भर गया। उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तुम्हें आश्चर्य क्यों हो रहा है? मैं सात सिरों और उस सींगों वाले जानवर और उस पर बैठी औरत के भेद को तुम पर प्रकट करूंगा। जो पशु तुमने देखा है वे पहले था पर अब नहीं है, वह अथाकुंड से निकलकर विनाश में पड़ जाएगा। दुनिया की शुरुआत से तमाम लोग जिनके नाम जीवन की किताब में लिखे गए हैं, इस जानवर को जो पहले था और अब नहीं है लेकिन आने वाला है, देखकर अचंबा करेंगे। यहां पर बुद्धि की बात है कि जो सातों सिर हैं वे सातों पहाड़ हैं जिन पर वह औरत बैठी है। वे सात राजा भी हैं जिनमें से पांच का राज्य खत्म हो गया है। एक राज्य कर रहा है और एक अभी तक नहीं आया है। जब वह आएगा थोड़े समय के लिए जरूर बना रहेगा। वह जानवर जो पहले था और अब नहीं है, वह खुद आठवां राजा है। हालांकि वह सातों में से एक है जो नाश होने वाला है। 10 सींग जो तुमने देखे थे वे 10 राजा हैं जिन्हें अब तक राज्य नहीं मिला है।
लेकिन इन राजाओं को एक घंटे के लिए पशु के साथ राज्य करने का अधिकार मिलेगा। इन राजाओं का एक ही मकसद है, वे अपनी ताकत और अधिकार पशु को देंगे। वे सभी मेमने से लड़ेंगे, लेकिन मेमना उनको जीत लेगा। वही प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। जो मेमने के साथ हैं, उन्हें चुना हुआ और विश्वास योग्य कहा जाता है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा कि जिस पानी पर तुमने वे विचारिन को बैठे देखा है, वे भीड़ अलग अलग देश अलग जुबान के लोग हैं। जिन 10 सिंहों और जानवर को तुमने देखा था, वे और पशु वे विचारण से नफरत करके उसे नंगा और बर्बाद कर देंगे। वे उसे खाएंगे और जला डालेंगे। परमेश्वर ने अपने मकसद को पूरा करने के लिए उनको एक मन दिया, ताकि जब तक परमेश्वर की कही बात पूरी ना हो जाए, तब तक पशु को अपनी हुकूमत का हक सौंप दे। यह स्त्री जिसे तुमने देखा था, वह बड़ा नगर है जो इस दुनिया के राजाओं पर राज्य करता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 18। इसके बाद मैंने एक और स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते हुए देखा, जिसे बड़ा अधिकार था। उसके तेज से पृथ्वी चमक उठी। उसने ऊंची बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, महानगर बाबुल ढह गया। वे प्रेतात्माओं का निवास और सब तरह की गंदी आत्माओं का अड्डा, एक अशुद्ध और घिनौने पक्षी का अड्डा हो गया था, क्योंकि उसके व्यभिचार की वासना की शराब सभी देशों ने पी है। इस दुनिया के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है। उसकी विलासिता की वजह से व्यापारी अमीर हो गए हैं। मैंने स्वर्ग से आने वाली एक और आवाज को यह कहते हुए सुना, मेरे लोगो, उसमें से निकल आओ, ताकि तुम उसके अपराधों में हिस्सेदार न बनो और उस पर आने वाली विपत्तियों से बच सको, क्योंकि उसके अपराध स्वर्ग तक पहुंच गए हैं और परमेश्वर ने उसके गलत कामों को याद किया है। जैसा उसने तुम्हारे साथ किया है, वैसा ही उसके साथ करो और उसके कामों के मुताबिक उसे दोगुना बदला दो। जिस प्याले से उसने उंडेला है, उसके बदले में उसके प्याले में दो गुना दे दो। जिस तरह से उसने अपने आप को इज्जत दी है और विलासिता में जीवन बिताया है, उसी अनुपात में उसको पीड़ा और दुख दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी की तरह बैठी हूं और विधवा नहीं हूं, मुझे कभी भी कुछ दुख नहीं होगा। इसलिए एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेंगी, मौत, विलाप और अकाल। वह आग से भस्म हो जाएगी, क्योंकि इंसाफ करने वाले प्रभु परमेश्वर ताकतवर हैं। इस दुनिया के जिन राजाओं ने उसे व्यभिचार किया है, वे उसके साथ शान व शौकत में रहे हैं। वे उसके जलने का धुआं देखकर उसके लिए रोएंगे और विलाप करेंगे। उसकी पीड़ा की वजह से वे डर कर दूर खड़े रहकर कहेंगे, हाय हाय, बड़े शहर बाबुल, ताकतवर शहर, एक घंटे ही में तुम्हें सजा मिल गई। इस दुनिया के राजा उसके लिए रोएंगे और दुख मनाएंगे, क्योंकि उनसे कोई भी कुछ खरीदेगा नहीं। सोना चांदी, कीमती पत्थर और मोती, बढ़िया मलमल, बैंजनी कपड़े, रेशम और लाल कपड़े, हर तरह की लकड़ी और हाथी दांत की बनाई चीजें, महंगी लकड़ी, पीतल, लोहे और मार्बल की चीजें, दालचीनी, इत्र, सुगंधित पदार्थ, लोबान, शराब, तेल, ऊंची किस्म का आटा, जानवर, भेड़, घोड़े, रथ, लोगों की आत्मा और देह, जिन अच्छी चीजों की तुम्हारी आत्मा कामना करती रही, वह तुम्हें मिल नहीं पाई। तुम्हारी विलासिता और शान तुमसे जाती रही और तुम उसे कभी नहीं देखोगे। जो व्यापारी उसकी वजह से अमीर बन गए थे, वे उसकी पीड़ा के डर से बहुत दूर खड़े बिलक बिलक कर रोएंगे। वे कहेंगे, हाय हाय, वो बड़ा शहर जो बढ़िया मलमल, बैंजनी और लाल कपड़े और सोने, कीमती पत्थर और मोतियों से सजा हुआ था, एक घंटे ही में उसकी धन संपत्ति गायब सी हो गई।
जहाज का हर एक कप्तान और वे जो जहाज से यात्रा करते हैं मलहा और जो समुद्री व्यापार करते हैं दूर खड़े रहे। जब लोगों ने उसके जलने का धुआं देखा तो चिल्लाकर कहा, क्या इस बड़े शहर की तरह कोई शहर था? उन्होंने अपने सिर पर धूल डालते हुए ऊंची आवाज में रोते बिलकते हुए कहा, हाय हाय, वो बड़ा शहर जहां पर पानी जहाज के मालिक उस औरत की दौलत से अमीर बन गए थे, क्योंकि एक ही घंटे में वे बर्बाद हो गई। हे स्वर्ग, पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं, इस बात से खुश हो क्योंकि परमेश्वर ने उसको सजा दी है। एक ताकतवर स्वर्गदूत ने एक चक्की के पत्थर के समान एक बड़े पत्थर के चक्के को समुद्र में डाल दिया और कहा, इस तरह से बड़ा शहर बाबुल बहुत जोर से ऐसा फेंक दिया जाएगा कि उसका नामो निशान नहीं मिलेगा। वीणा बजाने वालों, संगीतज्ञों, बांसुरी बजाने वालों, तुरी फूकने वालों की आवाज फिर कभी तुझमें सुनाई नहीं देगी। चक्की चलने की आवाज उसमें सुनाई नहीं देगी। किसी भी काम को करने वाला कोई व्यक्ति तुम में फिर कभी पाया नहीं जाएगा। किसी दिए की रोशनी फिर कभी दिखाई नहीं देगी। दूल्हे और दुल्हन की आवाज तुम्हारे यहां नहीं सुनाई देगी। दुनिया के बड़े लोग और सभी देशों के व्यापारी तुम्हारे जादू टोने से भरमाए गए थे। इस पृथ्वी पर जो लोग मार डाले गए थे उनका, पवित्र लोगों का और भविष्य वक्ताओं का खून तुम में पाया गया था। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19। इन सब बातों के बाद स्वर्ग में बहुत से लोगों की एक बुलंद आवाज मैंने सुनी, हालेलुया, मुक्ति महिमा और ताकत हमारे प्रभु परमेश्वर के पास है, इसलिए कि उनका इंसाफ सच्चा और ठीक है। बड़ी वेश्या को सजा मिली है जिसने सारी दुनिया को अपने व्यभिचार से गुमराह किया था। उसके द्वारा बहाए खून का भी उसे बदला मिल गया। उन्होंने फिर से कहा, हालेलुया, और हमेशा हमेशा के लिए उसके जलने का धुआं उठता रहेगा। और 24 बुजुर्गों और 4 जीवित प्राणियों ने परमेश्वर को जो सिंहासन पर बैठे हुए थे साष्टांग प्रणाम किया और आराधना करते हुए कहा, आमीन, हालेलुया। तब सिंहासन से आती हुई यह आवाज सुनाई दी, तुम सभी जो सेवक हो, चाहे छोटे हो या बड़े, और उनसे डरते हो, परमेश्वर की बड़ाई करो। फिर मुझे भीड़ का सा शोर सुनाई दिया। यह बहुत ढेर पानी और जबरदस्त गड़गड़ाहट की तरह शब्द था। हालेलुया, हमारे शक्तिमान प्रभु परमेश्वर शासन कर रहे हैं। आओ हम खुश हों और परमेश्वर की बड़ाई करें, क्योंकि मेमने के विवाह का समय आ गया और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। पहनने के लिए उसे अच्छे किस्म की साफ और चमकती हुई मलमल दी गई। ये अच्छी किस्म की मलमल संतों के धार्मिकता के काम है। और उसने कहा, लिखो, वे आशीषित लोग हैं जिन्हें मेमने के विवाह के खाने पर बुलाया गया है। उसने मुझसे यह भी कहा, यह परमेश्वर की कही गई सच्ची बात है। और मैंने उसके पांव पर गिरकर उसकी आराधना की। उसने मुझसे कहा, देखो ऐसा मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के समान जिनके पास गवाही है एक सेवक ही हूं। केवल परमेश्वर की आराधना करो, क्योंकि यीशु मसीह की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। और मैंने स्वर्ग को खुले हुए देखा। मैंने एक सफेद घोड़ा देखा जिस पर कोई बैठे हुए थे। वे विश्वास योग्य और सच्चे कहलाते हैं। वे धार्मिकता से इंसाफ और युद्ध करते हैं। उनकी आंखें आग की लपट की तरह थीं और उनके सिर पर बहुत से ताज थे। उनके माथे पर एक नाम लिखा हुआ था जिसे उनको छोड़ और कोई नहीं जानता था। वे ऐसे कपड़े पहने हुए थे जो खून में डुबोए गए थे। उनका नाम परमेश्वर का वचन था। स्वर्ग की सेनाएं सफेद घोड़ों पर
सफेद साफ और बढ़िया किस्म की मलमल पहने हुए मेमने के पीछे पीछे चली जा रही थी। मेमने के मुंह से तेज धार वाली तलवार निकल रही थी जिससे वे देशों को मारते थे। वे उनके ऊपर लोहे के राजदंड से शासन करेंगे। वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के गुस्से की जलजलाहट से मदिरा के कुंड में अंगूरों को रौंदेंगे। उनके चोगे और जांग पर एक नाम लिखा हुआ था, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु। फिर मैंने सूरज में एक स्वर्गदूत को खड़े हुए देखा। उसने बुलंद आवाज से चिल्लाकर आसमान में उड़ने वाले पक्षियों से कहा, आओ और महान परमेश्वर के भोज में इकट्ठे हो, ताकि तुम राजाओं, प्रधानों, ताकतवर लोगों, घोड़ों और उनके सवारों और सब तरह के लोग, आजाद, गुलाम, छोटों और बड़ों का मांस खा सको। फिर मैंने पशु और दुनिया के राजाओं और उनकी सेनाओं को घोड़े पर बैठे व्यक्ति और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठा देखा। उस पशु और झूठे भविष्यवक्ता को जो उसके सामने चिन्ह दिखाता था पकड़ लिया गया। इन चिन्हों से वह उनको धोखा देता था जिन्होंने पशु का चिन्ह लिया था और जो मूरत की आराधना करते थे। दोनों ही को गंधक से जलती हुई आग में जिंदा डाल दिया गया। बाकी लोगों को घोड़े पर बैठे व्यक्ति के मुंह से निकलती तलवार से खत्म कर डाला गया। उनके मांस से सभी पक्षी तृप्त हो गए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20। मैंने स्वर्ग से उतरते हुए एक स्वर्गदूत को देखा जिसके पास अथा कुंड की चाबी और बड़ी जंजीर थी। उसने अजगर उस पुराने सांप को जो कि शैतान है उसे 1,000 साल के लिए बांध दिया। उसने उसे अथा कुंड में ताले से बंद करके एक मोहर लगा दी ताकि जब तक 1,000 साल ना बीतें वे देशों को अर्थात लोगों को भरमा ना सके। उसके बाद उसे थोड़ी देर के लिए आज़ाद किया जाएगा। फिर मैंने सिंहासनों और उनके ऊपर बैठे लोगों को देखा। उन्हें ये अधिकार दिया गया कि वे लोगों का इंसाफ करें और सजा दें। फिर मैंने उन लोगों की आत्माओं को देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने की वजह से और परमेश्वर के वचन के कारण धड़ से अलग किए गए थे। उन्होंने पशु या मूरत की पूजा नहीं की थी, न ही अपने माथे या हाथ पर उसका चिन्ह लिया था। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1,000 साल तक शासन करते रहे। बाकी लोग तब तक जी ना उठे जब तक 1,000 साल खत्म ना हुए। ये पहला जी उठना था। आशीषित और पवित्र व्यक्ति वो है जो पहले जी उठने में शामिल होगा। ऐसे लोगों पर दूसरी मौत का अधिकार नहीं होगा, लेकिन वे परमेश्वर और यीशु के याजक होंगे और 1,000 साल तक उनके साथ शासन करेंगे। जब 1,000 साल पूरे हो जाएंगे तब शैतान को कैद से आज़ादी दी जाएगी। वह युद्ध के लिए गोग मगोग और पृथ्वी के चारों तरफ से तमाम देशों को इकट्ठा करने के बारे में धोखा देगा। उनकी गिनती समुद्र की रेत के बराबर होगी। वह पृथ्वी की सभी दिशाओं से निकलकर प्रिय शहर और संतों के डेरे को चारों तरफ से घेर लेंगे। लेकिन स्वर्ग में से परमेश्वर की तरफ से आग निकलेगी और इस सेना को भस्म कर डालेगी, और शैतान जो उन्हें धोखे में रखता था आग और गंधक की झील में डाला गया जहां वे पशु और झूठा भविष्यवक्ता थे। वे वहां पर हमेशा हमेशा के लिए दिन और रात पीड़ित किए जाएंगे। फिर मैंने एक बड़ा सफेद सिंहासन और उस पर बैठे हुए को देखा। उनके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग खड़े हुए और उनके लिए कोई जगह नहीं मिली। और मैंने उन मरे हुओं को जो छोटे या बड़े थे परमेश्वर के सामने खड़े देखा, और किताबें खोली गईं। उसके बाद जीवन की किताब खोली गई। मरे हुओं का इंसाफ उनके कामों के आधार पर हुआ जिनका बयान इन किताबों में था। समुद्र ने उन मरे हुओं को उगल दिया जो उसमें थे। मौत और कब्र ने अपने में समाये मृतकों को उगल दिया,
और प्रत्येक का इंसाफ उनके कामों के अनुसार हुआ। मौत तथा अधोलोक आग के झील में डाल दिए गए, यह दूसरी मौत है। जिस किसी का नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ नहीं पाया गया, वह आग के झील में डाल दिया गया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21। फिर मैंने एक नए स्वर्ग और नई पृथ्वी को देखा। पहला स्वर्ग और पहली पृथ्वी खत्म हो चुके थे और समुद्र भी दिखाई नहीं दिया। मुझ यूहन्ना ने पवित्र शहर नए यरूशलेम को अपने दूल्हे के लिए तैयार दुल्हन के रूप में स्वर्ग से नीचे उतरते देखा। मैंने स्वर्ग से आती हुई एक बुलंद आवाज को सुना, देखो परमेश्वर का निवास लोगों के बीच में है और वे उनके साथ रहेंगे और वे उनके लोग होंगे। परमेश्वर स्वयं उनके साथ रहेंगे और उनके परमेश्वर होंगे। परमेश्वर उनके आंखों से सब आंसू पोंछ डालेंगे। इसके आगे मौत, दुख और रोना नहीं रहेगा। दर्द भी खत्म हो जाएगा क्योंकि पुरानी बातें बीत गई हैं। सिंहासन पर बैठे हुए ने कहा, देखो मैं सभी बातों को नया कर देता हूं। उसने मुझसे कहा, यह लिख लो क्योंकि ये बातें सच्ची और मानने के लायक हैं। उसने मुझसे कहा, पूरा हुआ, मैं अल्फा और ओमेगा, शुरुआत और आखिर हूं। जो प्यासा है उसे मैं जीवन के सोते में से मुफ्त दूंगा। जो जीत पाए वह इन चीजों का वारिस होगा। मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा बेटा होगा। कायर, अविश्वासी, दुष्ट, हत्यारों, व्यभिचारियों, जादूगरों, मूर्ति पूजकों और झूठों का हिस्सा उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यही दूसरी मौत है। सात स्वर्गदूतों में से एक, जिसके पास आखिरी सात मुसीबतों से भरे सात कटोरे थे, उसने मेरे पास आकर मुझसे कहा, यहां आओ, मैं तुम्हें दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वह मुझे पवित्र आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और मैंने एक बड़े शहर पवित्र यरूशलेम को स्वर्ग में से परमेश्वर की तरफ से परमेश्वर की महिमा से भरे हुए उतरते देखा। परमेश्वर की शान उसमें थी और उसकी रोशनी बहुत ही कीमती पत्थर अर्थात बिलोर की तरह यशब के समान साफ थी। इस शहर की बड़ी और ऊंची दीवारों में 12 दरवाजे थे। इन 12 दरवाजों पर 12 स्वर्गदूत थे। इन दरवाजों पर इसराइल के 12 गोत्रों के नाम लिखे हुए थे। पूर्व दिशा की तरफ 3 दरवाजे, उत्तर दिशा की तरफ 3 दरवाजे, दक्षिण दिशा की तरफ 3 दरवाजे और पश्चिम दिशा की तरफ 3 दरवाजे थे। इस शहर की दीवार की 12 नींवें थी। इनके ऊपर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम थे। जो मुझसे बातचीत कर रहा था उसके पास शहर, दरवाजों और दीवार को नापने के लिए सोने की छड़ थी। शहर चकोर आकार का था। इसकी लंबाई चौड़ाई एक ही थी। उसने उस छड़ से शहर को नापा जो कि 12,000 फरलांग थी। इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। तब उसने दीवार को नापा और उन्हें 6 फुट मोटा पाया। दीवार यशब की बनी थी और शहर साफ कांच के समान शुद्ध सोने का था। उस शहर की नींव के पत्थर सब तरह के कीमती पत्थरों से सजे थे। नींव का पहला पत्थर यशब, दूसरा नीलम, तीसरा स्फटिक, चौथा मरकत, पांचवा गोमेद, छठवां माणिक्य, सातवां पीतमणि, आठवां पेरोज, नौवां पुखराज, दसवां लहसनिया, ग्यारहवां धूम्रकांत और बारहवां चंद्रकांत था। 12 फाटक 12 मोती के थे। प्रत्येक फाटक एक ही मोती से बना था। शहर की सड़क पारदर्शी शीशे की तरह शुद्ध सोने की थी। मैंने शहर में कोई प्रार्थना भवन नहीं देखा क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना ही प्रार्थना भवन हैं। उस शहर को सूरज और चांद की रोशनी की जरूरत नहीं क्योंकि परमेश्वर की मौजूदगी ने
उसे रोशनी में कर दिया है और मेमना उसका दिया है। उन राष्ट्रों के लोगों ने उद्धार पाया है, वे उनकी रोशनी में चलेंगे और दुनिया के राजा अपने प्रताप को उसमें लाएंगे। उसके फाटक दिन के समय कभी बंद नहीं होंगे, क्योंकि वहां रात नहीं होगी। वे देशों की शान और इज्जत को उसमें लाएंगे, किसी भी तरह की कोई गंदी चीज इसमें आ नहीं पाएगी। अशुद्ध या झूठ बोलने वाले भी नहीं, केवल वही जिनके नाम जीवन की किताब में लिखे हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22। फिर उसने मुझे जिंदगी के पानी की एक शुद्ध नदी दिखाई। यह नदी उस नगर के सड़क के बीचों बीच बहती थी। यह बिल्कुल साफ पानी की नदी परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलती थी। सड़क के बीचों बीच और नदी के दोनों तरफ जीवन के पेड़ थे। हर महीने इन पेड़ों में 12 तरह के फल निकलते थे। इन पेड़ों की पत्तियां देशों के स्वास्थ्य के लिए थी। अब और कोई सजा नहीं रहेगी, लेकिन शहर में मेमने का और परमेश्वर का सिंहासन होगा और उनके सेवक उनकी सेवा करेंगे। वे उनकी उपस्थिति में रहेंगे और उनके माथों पर उनका नाम लिखा होगा। वहां कभी रात नहीं होगी, वहां किसी तरह की रोशनी, दीपक या सूरज की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें रोशनी देंगे और वे हमेशा हमेशा के लिए शासन करेंगे। और उसने कहा, ये बातें भरोसेमंद और सच्ची हैं। पवित्र भविष्यवक्ताओं के प्रभु परमेश्वर ने अपने सेवक के पास स्वर्गदूत को इसलिए भेजा है कि जल्द ही होने वाली बातों को बताए। देखो, मैं अचानक आने वाला हूं। आशीषित व्यक्ति वो है जो इस किताब की भविष्यवाणी की बातों का पालन करता है। और मुझ यूहन्ना ने ये सब बातें देखी और सुनी। इन सब बातों को सुनने और देखने के बाद जिस स्वर्गदूत ने मुझे ये सब बातें दिखाई, उसकी उपासना करते हुए मैं उसके पैरों पर गिर पड़ा। लेकिन उसने मुझसे कहा, देखो, ऐसा मत करो। मैं भी तुम्हारे साथ सेवक और भविष्यवक्ता भाइयों का साथी हूं। सिर्फ परमेश्वर ही को दंडवत करो। फिर उसने मुझसे कहा, इस किताब की बातों पर मुहर मत लगाओ, क्योंकि समय पास आ चुका है। जो बेइंसाफी करने वाला है वह वैसा ही बना रहे, जो दुष्ट है वह दुष्ट, जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देखो, मैं अचानक ही आने वाला हूं, और लोगों के कामों के अनुसार उनको दिया जाने वाला प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा हूं, शुरुआत और अंत हूं, पहला और आखिरी हूं। आशीषित वे हैं जो अपने वस्त्र धोकर शुद्ध हो जाते हैं, ताकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास और शहर में जाने के लिए द्वार में से जाने का हक मिले। कुत्ते, जादूगर, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजने वाले और जो झूठ से प्यार करते और झूठी बातें बनाते हैं, वे बाहर होंगे। मुझ यीशु ने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा है ताकि कलीसियों में वो गवाही दे सके। मैं दाऊद का मूल और चमकता हुआ सुबह का तारा हूं। पवित्र आत्मा और दुल्हन का कहना है, आओ। जो सुनता है वह कहता है, आओ। और जो प्यासा है वह भी आए। जो ऐसा करेगा वह जीवन का पानी मुफ्त में पिएगा। हर एक जो इस किताब की भविष्यवाणी को सुनता है, उसके लिए मेरी यह गवाही है, अगर कोई इन बातों में जोड़ेगा तो परमेश्वर इस किताब में लिखी विपत्तियों को उसके लिए बढ़ाएगा। जो इस किताब की भविष्यवाणी में से कुछ निकाले, परमेश्वर जीवन के पेड़, पवित्र शहर और इस किताब में लिखी बातों में से भी उसका नाम निकाल देंगे। जो इन बातों की गवाही देते हैं कहते हैं, मैं जरूर जल्दी आने वाला हूं। ऐसा ही हो, हां, प्रभु यीशु जल्दी आइए। प्रभु यीशु मसीह की शर्तहीन असीमित कृपा तुम सब पर बनी रहे, ऐसा ही हो।